केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। सरकार ने डीए एरियर्स को लेकर संसद में क्या कहा? क्या 18 महीने का बकाया एरियर नहीं मिलेगा? सातवें वेतन आयोग के तहत जिस महंगाई भत्ते के बकाया एरियर का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें 18 महीने का बकाया एरियर दिया ही ना जाए। अगर आपको ये बात सुनकर झटका लगा है तो पहले पूरी खबर को ध्यान से सुनिए। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाए एरियर को लेकर राज्यसभा में एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके 18 महीने का बकाया एरियर अब तक क्यों नहीं दिया गया है, इसे लेकर सरकार ने संसद में स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा कि वित्तीय प्रभाव के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत के एरियर को जारी करना उचित नहीं समझा गया। इसे लेकर सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किश्तों को रोक देने का फैसला कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ इसके चलते लिया गया, ताकि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में कहा, वित्तीय बोझ के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाए डीए एरियर को जारी नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने खुलकर नहीं बताया कि भविष्य में बकाया एरियर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार से जब सवाल किया गया कि क्या सरकार पेंशन भोगियों का बकाया एरियर जारी करने पर विचार कर रही है, तो इसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि साल 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण इसका वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी बना रहा है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत का एरियर को जारी करना उचित नहीं समझा गया। सरकार के इस जवाब से पेंशन भोगियों को झटका लगा है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सितंबर 2022 में पिछली दफा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का इंतजार है। सरकार ने माना कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच 18 महीने के डीए का बकाया देने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के अलग अलग संगठनों की ओर से रिपोर्ट्स मिली हैं, जिसमें नेशनल काउंसिल, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे समेत कई संगठन शामिल हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर कर्मचारी यूनियंस ने असंतुष्टि जाहिर की है। उनका कहना है कि इसे रोका नहीं जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।